हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और बच्चे लोग, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है टेस्ट का? टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आदित्य, अनुसिका, हिताक्षी, साहिल, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? 14 से टेस्ट है ना भाई स्कूल में? कब से टेस्ट है? अच्छा, स्टार्ट हो गया है। ओके ओके, तो टेस्ट तो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन हो रही है? 3 दिन बाद केमिस्ट्री का है, 14 को ना? अच्छा, ऑफलाइन चल रही है। ओके ओके, चलो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में KMnO4 के बारे में पढ़ा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट क्यों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसके बारे में पढ़ा। और हमने इकोवेलेंट वेट पढ़ा KMnO4 का, एसिडिक मीडियम में इकोवेलेंट वेट क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है और न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, ठीक है। तो KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एसिडिक न्यूट्रल और अल्केलाइन तीनों ही मीडियम में जो है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ लेंगे, मींस रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, इसका रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, फिर बेसिक मीडियम में देखेंगे और उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में देखेंगे। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ये होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। आपने देखा कि एसिडिक मीडियम में जो है KMnO4, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है Mn2+ में कन्वर्ट होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज होता है सबसे ज्यादा होता है, +2 से +2 में जाता है ना। तो एसिडिक मीडियम में ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं KMnO4 का रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में। तो आप ये लिखना कि रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। दूसरी बात कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है, तो मैंने कहा, पिछले क्लास में बताया था कि ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 क्या करता है, तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, तीनों ही मीडियम में क्या करता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइज सम ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड्स, और उसी ऑक्सीजन के कारण ये जो है दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, मीन्स की ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मीन्स की एसिडिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4 है ना, जैसा मैंने कहा था KMnO4 एसिडिक मीडियम में आपको कोई एसिड लेना है और हम लोग एसिड लेते हैं, सबसे जो है सबसे अप्रोप्रिएट एसिड जो होता है यहाँ वो होता है आपका H2SO4, ठीक है। तो 2 moles KMnO4, 3 moles of H2SO4 जब हम लोग लेते हैं तो ये क्या बनाता है भाई, तो ये बनाता है K2SO4 MnSO4 है ना, ये बनाता है K2SO4
प्लस MnSO4, MnSO4 प्लस वाटर बनाता है और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है. दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक, रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, इसमें 2 मोल्स हो जाएगा, इसमें 3 मोल्स वाटर करेगा, है ना. तो इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. अब हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शन. इसमें आप फर्स्ट लिखना रिएक्शन विथ फेरस सॉल्ट, है ना. ये फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है ना. मीन्स इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट. ये फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट. अच्छा, फेरस में क्या होता है, फेरस में जो है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है ना. और फेरिक में, एक में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 होता है. यानी +2 से +3 में कन्वर्ट करवा देता है ये MnO4, है ना. तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं KMnO4 प्लस FeSO4 इन एसिडिक मीडियम है. तो हमें एक एसिड तो रखना ही पड़ेगा, और हमने जैसा कहा कि एसिड हम लोग कौन सा रखते हैं, तो वही, तो हम लोग H2SO4 रखते हैं प्लस H2SO4, है ना. ठीक, ये क्या बनाता है, तो फेरस सल्फेट को ये फेरिक, है ना, यानी फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है. तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में क्या होगा, तो Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना. ये यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे आप तो +2 में आप हुआ आएगा, और यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा. अच्छा, बाय प्रोडक्ट में और क्या क्या मिलता है, तो और में हमें मिलता है K2SO4 मिलता है, MnSO4 मिलता है और वाटर मिलता है. K2SO4 जैसा आपने देखा ऊपर में, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर, है ना, ये मिलता है. रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, नोट करो इसको, 2 मोल्स यहां, 10 मोल्स यहां और 8 मोल्स H2SO4. क्या बनेगा भाई, 10 मोल्स तो यहां कितना हो जाएगा, 5 मोल्स Fe2SO4 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो गया. और नहीं, ये 5 हो जाएगा. अच्छा, सल्फेट यहां भी है और क्या बनेगा, K2SO4. K2SO4 कितना पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, तो K2 और SO4, तो SO4 कितना हो जाएगा भाई, तो SO4 हो जाएगा. अच्छा, यहां भी SO4 है, MnSO4, है ना. तो ये आपका 2 MnSO4 हो जाएगा, 2 MnSO4 हो जाएगा, 2 मैंगनीज है, तो बचा 6 3, है ना. यहां हो जाएगा +3 SO4. ठीक है, यहां वाटर हो जाएगा 8 मोल्स ऑफ वाटर, ये मिलेगा आपको. ठीक है, अब बैलेंस हो गया. ठीक है, सेकेंड
ये जो है इट ऑक्सीडाइजेज पोटेशियम आयोडाइड यानी के आई टू आई टू, ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स के माइनो फोर। इसका रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड से करोगे इन एसिडिक मीडियम, मीन्स एसिटो सपोर्ट तो आपको लेना ही है। ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो एम एन ये क्या बनाएगा, के के टू एसओ फोर बनाएगा और एम एन एसओ फोर बनाएगा, है ना। के टू एसओ फोर और एम एन एसओ फोर तो बनेगा ही, है ना, जैसा आपने देखा मेन रिएक्शन में, और प्लस वाटर, है ना। तो के टू एसओ फोर एम एन एसओ फोर प्लस वाटर, तो ये हम लोग 10 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स और ये 8 मोल्स। कितना मोल्स बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट आपका बन जाएगा 6 मोल, ये 6 मोल बन जाएगा भाई, और ये 2 मोल्स बन जाएगा। और आयोडीन कितना हो जाएगा, 10 है, ये 5 मोल्स ऑफ आयोडीन बन जाएगा, और वाटर कितना बनेगा देख लो, 8 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, है ना। तो यहां देखो आप कि यहाँ चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज जैसे यहाँ यहाँ क्या हो रहा था, प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहा था, यानी फेरस से फेरस में फेरिक में जा रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन है और माइनस वन है, और यहाँ क्या है तो जीरो, तो माइनस वन से जीरो में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। है ना, तो रिएक्शन क्या यूज करना है आपको, ये देखो के माइनो फोर और एस टू एस फोर, ये तो आपको यूज करना ही है क्योंकि एसिडिक मीडियम की बात है, और क्या तो एस टू एस, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लेंदी है ना, रिएक्शन लेंदी है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लेंदी नहीं लगेगा। क्यों, देखो के माइनो फोर तो लेना ही है आपको, एस टू एस फोर एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो तो एस टू एस फोर तो लेना ही है, और आप किसको ऑक्सीडाइज कराने जा रहे हो, एस टू एस को, तो एस टू एस लेना है। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो आपने अभी देखा क्या मिला था, K2SO4 मिला था एक प्रोडक्ट, दूसरा क्या मिला था आपको MnSO4 मिला था, ठीक है, तीसरा क्या मिला था तो आपको वाटर मिला था, ये तीन तो फिक्स हैं कि ये तो आपको मिलना ही है, और चौथा क्या मिलेगा, तो H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ आपको सल्फर मिलेगा, है ना, बस हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप बैलेंस नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैलेंस करो, है ना, तो रिएक्शन को आप थोड़ा सा याद रखो। तो ये 2 मोल्स, ये 5 मोल्स और ये 3 मोल्स, है ना, ये लेते हैं, है ना, 2 मोल्स और ये 5 मोल्स, और वाटर कितना होगा भाई, तो 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा ना, और 8 मोल्स वाटर हो जाएगा, ठीक है, 8 मोल्स वाटर। तो आप देखो यहां जो है क्या हो रहा है भाई, तो यहां जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, माइनस 2, और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये 5 है, दोनों एक ही जैसा लगता है, तो ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ 5 सल्फर, है ना, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0।
ठीक है, फोर में लिखना इट ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइट्राइट का फॉर्मूला आता है ये कोई मेटल एटम होता है और एनओ टू। नाइट्रेट का क्या होता है, MnO3, है ना। ये नाइट्राइट से नाइट्रेट्स पहले भी हम लोगों ने पढ़ा रहा है, रिएक्शन पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, तो KmnO4 लेना है, प्लस क्या लेना है आपको, H2SO4 लेना है, प्लस आप किसका ऑक्सीडाइज करना है, नाइट्राइट्स को। तो नाइट्राइट्स में आप ले लो सोडियम नाइट्राइट्स ले लो या पोटेशियम नाइट्राइट्स ले लो, कोई भी ले लो, है ना, कोई भी आप ले लो, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट कोई भी लोगे, है ना, नो प्रॉब्लम। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो KNO3 मिलेगा, है ना, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या मिला प्रोडक्ट, तो K2SO4 ये मिला, प्लस MnSO4 तो मिलेगा ही, K2SO4 MnSO4 और प्लस वाटर, ये तो मिलना ही है भाई, ठीक है। यहाँ हम लोग ये 2 moles लिए यूज करते हैं, ये 3 moles, 3 moles और ये 5 moles। प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये मिलेगा आपको 2 moles, ये 5 moles, और वाटर कितना मिलेगा, तो वाटर मिल जाएगा आपको कितना है, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन है, तो 3 moles ऑफ वाटर मिलेगा आपको। तो यहां नाइट्राइट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1 + x - 4 = 0। यहां +3 होता है ना, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। फाइव इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सिलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सिलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करा। ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2, आप जानते हो H2C2O4 होता है ना, मीन्स C2H2O4 भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, तो KmnO4 + H2SO4 और प्लस ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है भाई, ऑक्सिलिक एसिड आपको पता होगा फॉर्मूला होता है C=OOH और C=OOH, ये होता है ना, डायबेसिक एसिड, ठीक है।
कितना कार्बन हो गया, दो कार्बन, सी टू हाइड्रोजन बी टू एस टू और ओ फोर, ये हो गया प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो प्लस, बाकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो के टू एस ओ फोर बनेगा प्लस क्या बनेगा एम एन एस ओ फोर बनेगा प्लस क्या बनेगा तो प्लस वाटर बनेगा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ टू मोल्स लेते हैं, यहाँ थ्री मोल्स लेते हैं, यहाँ फाइव मोल्स लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा भाई, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका टेन मोल्स, है ना, ये टेन मोल बन जाएगा और ये दो मोल्स और ये एट मोल्स बनेगा। जयकरण क्या हो गया, जयकरण तुम्हें सर क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं डिसकनेक्ट हो गया था। अच्छा डिसकनेक्ट हो गया तो नो प्रॉब्लम, है ना, ये वीडियो जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है, देख लेना जयकरण। और कुछ नहीं, बस रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को फॉलो कर भी कर सकते हो, है ना, तो है ना, क्योंकि ये रिएक्शन आपको याद तो रखना ही है। हाँ हाँ, ये पहले वाला ही सब पॉइंट है ना, पहला वाला जो मैंने कहा कि रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, उसी का मैं बता रहा हूं, है ना, KMnO4 का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, उसी का मैं रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तीन रिएक्शन हो चुका है उधर, ये फोर्थ नंबर का रिएक्शन है और ये फिफ्थ नंबर का रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोर और फाइव का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तीन रिएक्शन आपका जो है मिस हो गया है ना, वो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया, ठीक है, तो देखो यहां क्या है, तो कार्बन का आप इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ऑक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस थ्री, रेड मार्कर से कर देता हूं, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस थ्री और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर, तो प्लस थ्री से प्लस फोर। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइव, ये हाइड्रोजन हेलाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन हेलाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में, हेलोजन में। ठीक है, तो सिक्स नंबर लिखना, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन हेलाइड टू हेलोजन, है ना, हाइड्रोजन हेलाइड को ये हेलोजन में ऑक्सीडाइज करा देता है। तो रिएक्शन KMnO4 प्लस H2SO4 और प्लस हाइड्रोजन हेलाइड, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो H2 प्लस प्लस क्या क्या बनेगा, तो वही, तो प्लस K2SO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, तो MnSO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा भाई, तो प्लस वाटर बनेगा, बस प्रोडक्ट तो यही बनना है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये हो जाएगा टू मोल्स, थ्री मोल्स और टेन मोल्स। ठीक है, ये हो गया, हेलोजन कितना बन जाएगा भाई, तो हेलोजन बन जाएगा फाइव मोल्स ऑफ हेलोजन बन जाएगा, MnSO4 कितना बन जाएगा भाई, तो दो मोल्स
MnSO4 बन जाएगा। वाटर कितना बन जाएगा देखो, तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, टोटल हाइड्रोजन है 10 × 6, 16 हाइड्रोजन है, तो 8 मोल्स वाटर बन जाएगा। बस हो गया। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्राइड में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हो -1 होता है, और यहां क्या हो जाएगा, तो फ्री स्टेट में 0 हो जाएगा। चलो एक और है लास्ट, चलो 7 नंबर। इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइट, सल्फाइट आप जानते हो SO3 होता है ना, 2 − सल्फाइट 2 सल्फेट, ये सल्फाइट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर, सल्फेट का क्या होता है तो SO4 2- होता है ना, ये सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले KMnO4 लेते हैं भाई, KMnO4, और दूसरा हमें क्या लेना है, तो H2SO4 लेना है। ठीक, अब यहाँ सल्फाइट में हम लोग कोई भी ले लेते हैं, हम लोग K2SO4 ले लें, या हम लोग सोडियम सल्फाइट ले लें, है ना। ठीक है, K2SO4 ले सकते हो या Na2SO4 ले सकते हो, सोडियम सल्फाइट, पोटेशियम सल्फाइट, है ना। बस आपको यहाँ मेटल आप सोडियम पोटेशियम को भी यूज कर सकते हो, सल्फाइट तो रहेगा ही। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो प्रोडक्ट सबसे पहली बात तो ये क्या बना देगा, तो K2SO4 बना देगा, है ना। K2SO3 ये क्या बना देगा, तो ये आपका K2SO4 बना देगा, और बाकी जो मिलता है हमें ये क्या मिलेगा, K2SO4 मिलेगा प्लस MnSO4 MnSO4 मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, तो प्लस आपको वाटर मिलेगा, और कुछ मिलेगा कि नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा एक और बनेगा ना, K2SO4 मिला और MnSO4, Na2SO4, है ना, Na2, ये यहाँ हमने क्या यूज किया है, पोटेशियम ना, K2SO4, ठीक तो है। यहाँ आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ K2SO3 हमने यूज किया, K2SO4 हमें इधर से भी K2SO4 मिलता है, तो हमें रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। आप सोडियम का यूज करोगे तो ऐसा करो, आप सोडियम का यूज करो तो फिर आपको क्लियर पता चलेगा, Na2SO3 का यूज करो, यहाँ K2SO4 प्लस Na2SO4 मिलेगा, तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो सेम प्रोडक्ट बना देता है ना। अब ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पोटेशियम का आप यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वहां सिर्फ K2SO4 बनेगा, क्योंकि K2SO4 तो सब में बनता है, इसमें भी K2SO4 ही सिर्फ बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनेगा। ठीक है, और सोडियम का यूज करते हो तो आपको क्लियर पता चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा बनता ही हर रिएक्शन में, यहाँ Na2SO4 बनेगा। तो आप देखो कि यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लें। तो इधर 2 मोल्स, इधर 3 मोल्स, इधर 5 मोल्स, K2SO4 कितना बनेगा, 2 K2SO4 बैलेंस है, MnSO4 कितना बनेगा भाई, 2 मोल्स MnSO4 बनेगा, और ये कितना बनेगा, तो सोडियम सल्फेट 5 मोल्स और सोडियम सल्फेट बनेगा, और वाटर कितना बनेगा, टोटल हाइड्रोजन कितना है देख लो, 3 × 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 मोल्स वाटर बनेगा। ये हो गया बैलेंस आपका रिएक्शन।
हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ केमेनोपुर इन न्यूट्रल मीडियम। तो बी लिखना कि रिएक्शन ऑफ केमेनोफोर इन न्यूट्रल मीडियम। इसमें हमें कम रिएक्शन पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में हमें बहुत कम रिएक्शन पढ़ना है, मेनली एसिडिक मीडियम में हमें ज्यादा रिएक्शन पढ़ना होता है। तो इसमें दो रिएक्शन हमें पढ़ना है, दो तीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल मीडियम में ये नेसेंट ऑक्सीजन तो मिलेगा ही। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम यानी वाटर हम लोग रखेंगे, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MnO2 प्लस KOH, है ना। ये बनाता है MnO2 प्लस KOH बनाता है और प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर 2 ले लें तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 हो जाएगा, 3 वाटर बैलेंस है, ठीक है। चलो बैलेंस है ना, ये है। अब इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, इसको दिखाना जरूरी नहीं है, ये इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण रिएक्शन होगा। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसमें। तो न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, है ना। न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो लिखना इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन यहां बाय प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलता है, अलग मिलता है। बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें जो मिलेगा आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देख लो आप क्या क्या मिलेगा आपको यहां, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ये जो है आपको हर रिएक्शन में मिलेगा। मीन्स कि आप जब KMnO4 का रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम है, आपको यहाँ यूज नहीं करना है कुछ भी, KMnO4 का डायरेक्ट रिएक्शन आपको H2S से कराना है, आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो MN, है ना। इसलिए मैंने ये रिएक्शन लिखा है कि ये चीज तो आपको हर सब में मिलेगा, MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब में मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, तो सल्फर मिलेगा, क्योंकि यहाँ सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीडाइज होगा, बस इतना ही है। और प्लस और कुछ मिला है हमको वहां, और यहाँ आपको एक और चीज मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा, ठीक है, एक और चीज मिलेगा आपको वाटर मिलेगा, बस ये KOH है भाई, KOH है, ठीक। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर 2 मोल्स के, इधर 3 मोल्स, कितना बनेगा भाई, Mn 2 मोल्स बन जाएगा, पोटेशियम भी 2 है तो ये भी 2 मोल्स बन जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा, तो 3 सल्फर हो जाएगा, 3 मोल्स हम लोग यूज कर रहे हैं इधर, और वाटर कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट। इट ऑक्सीडाइजेज मैग्नीशियम सल्फेट MnSO4 टू MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज, है ना, मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देता है। तो KMnO4 प्लस MnSO4 प्लस यहाँ वाटर का यूज करना पड़ता है, MnO2 में कन्वर्ट तो होगा ही, प्लस बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ये तो मिला, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीज सल्फेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस वाटर, वाटर और कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर टू इधर थ्री और इधर टू मोल्स ऑफ वाटर, कितना मैग्नीज इधर हो गया टू और इधर हो गया थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव मोल्स ऑफ MnO2 बनेगा, टू मैग्नीज इधर और इधर थ्री मोल्स, तो फाइव मोल्स ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, KOH कितना मिलेगा, पोटेशियम इधर दो हो गया ना, तो टू मोल्स मिलेगा। अब वाटर, वाटर लेफ्ट में भी रहेगा राइट में भी रहेगा, है ना। तो वाटर हम लोग कभी कभी ऐड इसलिए करते हैं कि रिएक्शन हो पाए, वाटर का सॉल्वेंट, है ना, बहुत जगह सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है ना वाटर का। यहाँ वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ वाटर यूज नहीं होगा भैया, यहाँ वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाटर का जो हाइड्रोजन है इधर अगर आ गया, एक मिनट, तो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट हम लोग डिफरेंट मिलता है, यहाँ हम लोगों को प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, K2SO4 मिल जाता है और प्लस H2SO4 मिल जाता है यहाँ में, ठीक है, ये मिल जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ टूमोस H2SO4 तब बैलेंस होगा, ठीक है, ये मिलता है। चलो एक और रिएक्शन, थर्ड में इट ऑक्सीडाइजेज सोडियम थायोसल्फाइड टू सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट थायोसल्फेट, है ना, ये थायोसल्फेट है भाई, ये थायोसल्फेट है और इसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो KMnO4 और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2S2 और O3 ये होता है फॉर्मूला, Na2S2O3 प्लस वाटर यूज होता है और ये क्या बनाता है, तो सोडियम सल्फेट बना देता है, है ना। यहाँ MnO2 प्लस KOH प्लस 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 सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस और क्या बनेगा भाई, तो यहां K2SO4 बन जाता है, एक और प्रोडक्ट मिलता है यहां K2SO4, ठीक।
तो सल्फाइड से ये हो गया सोडियम थायो सल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट, और ये हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर ले हम लोग, 8 और 3 हो जाता है, उधर MnO2 कितना हो जाएगा भाई, 8 मोल्स, 3 2, K2SO4 कितना बनेगा, तो पोटेशियम 4 हो गया, तो यहाँ यहाँ 3, एक मिनट, K2SO4 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 8 पोटेशियम हो गया ना, यहाँ यहाँ 3 मिलता है, इधर 2 मिलता है, अब बैलेंस है। और Na2SO4 ये जो है आपका कितना सोडियम है, इधर 6 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, अब ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सी रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम और अल्केलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम, यहां हमें एक ही रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, और वो रिएक्शन पढ़ना है हमें आयोडाइड्स का, ये आयोडाइड्स को जो है आयोडेट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो लिखना फर्स्ट में एक ही रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू आयोडेट्स, है ना, आयोडाइड को आयोडेट्स में ये ऑक्सीडाइज कर देता है, मीन्स KMnO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। प्लस वाटर, तो ये आयोडाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट करता है, KIO3 प्लस MnO2 प्लस KOH, है ना, इधर 2 मोल्स, यहाँ 2 मोल्स बनता है, यहाँ भी 2 मोल्स बनता है, ठीक है। तो देखो आप कि इधर आयरिन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ आयरिन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3, ये +5 हो जाएगा, है ना। Yeah.
चलो लास्ट में थोड़ा सा हम लोग यूज पढ़ लेते हैं इसका यूज। तो सबसे फर्स्ट यूज इसका जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट में एंड जर्मिसाइड्स में एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड्स में थर्ड बेयर रिजेंट में, मैंने आपको बताया था बेयर रिजेंट्स, और फोर एक और ब्लीचिंग ऑफ वूल कॉटन, फॉर ब्लीचिंग ऑफ, ब्लीचिंग ऑफ वूल कॉटन इटीसी, कॉटन वूल, वूल वूल कॉटन फाइबर्स है ना, सिल्क है ना, फाइबर सिल्क इटीसी। तो ये हो गया आपका KMNO4। चलो तो KMNO4 हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट एक और कंपाउंड हमें पढ़ना है K2Cr2O7, ठीक है। बट उसमें इतना रिएक्शन हमें नहीं पढ़ना है, कुछ कम रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि K2Cr2O7 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर हम लोग KMNO4 से कंपेयर करें तो KMNO4 के कंपेयर में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। है अपने आप में K2Cr2O7 भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हम लोग KMNO4 से कंपेरिजन करें तो KMNO4 के कंपेरिजन में ये थोड़ा वीक है, ठीक है। क्योंकि KMNO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट K2Cr2O7 सिर्फ जो है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी एसिडिक मीडियम में ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा किसी को ये, है ना। ये बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक। तो अब हेडिंग देना पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हेडिंग दो पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला इसका क्या होता है भाई, तो K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7।
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखें, तो K2SO4 K2CR2O7 ये ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, तो 2 पोटेशियम, क्योंकि यहाँ तो आयनिक बॉन्ड होता है पोटेशियम प्लस CR2O7 2-, है ना। मीन्स की K2SO4 में ये पोटेशियम और आयरन के, ये पोटेशियम और क्रोमीन के बीच जो बॉन्ड होता है ये तो आयनिक बॉन्ड होता है आपका, है ना, ये आयनिक बॉन्ड होता है। तो CR2O7 का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें तो CR2O7 2- का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, CR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन पर ये माइनस चार्ज होता है और इधर भी माइनस चार्ज होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना, ये होता है आपका स्ट्रक्चर सीआर का, है ना। अच्छा, यहां भी रेजोनेंस होता है, बहुत तगड़ा रेजोनेंस होता है, क्यों आप देख रहे हो, है ना, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर उसी तरह से एक बार इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना। तो अगर यहां आपसे पूछ दे भाई कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड का लेंथ क्या इक्वल होगा, तो बिल्कुल इक्वल होगा, है ना, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला का डिफरेंट होगा, है ना। मीन्स के अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये बताओ कि ये ए बी और सी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ए का बॉन्ड लेंथ, बी का बॉन्ड लेंथ और सी का बॉन्ड लेंथ, ये इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये डी दे दूं, है ना, क्योंकि जैसे इधर है आप देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, है ना, इधर भी वैसे है, है ना, ए बी सी डी आप इधर भी रख सकते हो, मैंने इधर लिया, तो ये डी जो है नॉट इक्वल टू डी, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाकी ये तीनों करता है, इधर भी ये तीनों करता है, क्योंकि इधर वाला सेम है, इसलिए हम लोग इधर भी करा देते हैं, तो बात तो बराबर है, है ना। ठीक है, तो कैसे होगा रेजोनेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा भाई, और ये वाला इधर स्किप कर जाएगा, एक बार ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, एक बार फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ करेगा, ये इधर बॉन्ड आएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ, एक बार नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड, तो सारे का बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल हो जाएगा, बट ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल नहीं होगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो है डिफरेंट होगा इस तीन से, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात मैं एक और चीज बता दूं कि ये CR2O7 जो है CR2O7 2-, ये एसिडिक मीडियम में एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो है ये इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, CrO4 2- के साथ, और दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। कैसे आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, CR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- और O-, ये यहां भी होगा, देख लो आप, यहां भी रेजोनेंस होगा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला इधर आएगा, उसी तरह से ये वाला इधर आएगा, है ना, इस तरह से रेजोनेंस होगा इसमें भी, ठीक है। तो इसको भी आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखोगे तो CR सिंगल बॉन्ड, है ना, ओ ओ ओ, और पूरे में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि सारे कार्बन पर डेवलप होगा वन बाय वन, इस तरह से हो जाएगा, दिस इज द रेजोनेंस
हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आपको कहे कि भाई आप बताओ कि बॉन्ड लेंथ सबका सेम होगा, तो बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो जहां भी रिजोनेंस हो रहा है, ए बी सी और ये डी, है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, है ना, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। हाँ भाई, हो गया। हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन इसका। प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन में इसको हम लोग क्रोमाइट ओर से जो है प्रिपेयर करते हैं, है ना। जब हम लोग आयरन Fe Cr2O4 इसको हम लोग फ्यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हमें सोडियम क्रोमेट मिलता है, हमें पहले क्या मिलता है तो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट मिलता है, प्लस क्या मिलेगा हमें, प्लस हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है Fe2O3 प्लस वाटर, ये फर्स्ट स्टेप में मिलता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस थोड़ा कर लें, इधर 4, 16 और इधर 7, उधर कितना बन जाएगा भाई, 16 सोडियम कितना है 16 है, इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आयरन इधर कितना 4 है, तो इधर 2 कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, और वाटर ठीक है 16 हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप फर्स्ट कर दो इसको, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट को, है ना, इस क्रोमेट को हम लोग क्या करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसा अभी हमने कहा कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम लोग डाल देते हैं इसको, तो ये क्या बना देता है, क्रोमेट आयन बना देता है ना,
है ना। तो हमने अभी क्या कहा कि Na2CrO4 है ना, Na2CrO4 है। जब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में डाल देंगे, एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बना देता है भाई, तो ये बना देता है Na2CR2O7, ये बना देता है Na2CR2O7। प्लस Na2SO4 प्लस वाटर, है ना। आप देखो अभी जस्ट हमने कहा ना कि भाई ये Na2CR क्या देगा, तो CrO4 2- देगा, और ये क्या देगा, तो ये देगा आपको Cr2O7 2-, है ना। और मैंने क्या कहा कि ये जो है इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, तो एसिड के साथ। एसिड हम लोग यहाँ SO4 का यूज किए हैं, आप SO4 का ही यूज करना, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, सोडियम जो है डाइक्रोमेट मिला। अब हमें बनाना है क्या, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हमें करना है ये कि ये सोडियम के प्लेस पर हमें क्या रखना है, तो सोडियम के प्लेस पर हमें पोटेशियम को रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं इसका, तो Na2CR2O7। इसका जब रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दोगे KOH से, तो फिर आपको जो है मिल जाएगा या KCl से, है ना, सॉल्ट से या बेस से। तो सॉल्ट ज्यादा बेटर होता है, आप KCl से रिएक्शन करा दोगे तो आपको यहां मिल जाएगा K2CR2O7, है ना। और प्लस क्या मिलेगा वही, तो प्लस NaCl मिल जाएगा, ठीक है, NaCl इधर इधर 2-. देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो कि पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम जो है मोर रिएक्टिव होता है सोडियम से, मोर दिख रहा है ना, एक मिनट, पोटेशियम आप जानते हो कि मोर रिएक्टिव होता है और सोडियम लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव किससे, पोटेशियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जानते हो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी जो है ये क्या करता है, तो इंक्रीज करता है ना डाउन द ग्रुप। तो लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है कि यहाँ आयन का एक्सचेंज हो जाता है, पोटेशियम इधर आ जाता है और सोडियम उधर चला जाता है ना। और फिर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है प्लस सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो, यहाँ 2-mol सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन। हो गया, ओके। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सिर्फ हमें जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वहां किसी कंपाउंड के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो वह हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके, चलो।